वेलकम अगेन। डेली प्राइम के लेक्चर नंबर 18 के सीरीज पर आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हो कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है एंड ट्रायल बैलेंस कैसे देखा जाता है। सो बेसिकली हम लोगों ने प्रैक्टिकल एंट्री कर चुके थे एंड हम लोग बहुत सारी एंट्रियाँ देख चुके हैं एंड अब हमारी बारी आई है कि हम ट्रायल बैलेंस को कैसे चेक करें। ठीक है, सो सबसे पहले ये जानें कि ट्रायल बैलेंस को कैसे चेक करें। उससे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सो आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स तैयार किया है। खैर, ये जो बुक है आप लोगों को ई बुक के रूप में मिल सकता है क्योंकि ये प्रिंटेड वर्जन में उपलब्ध नहीं है मार्केट में एंड ये अभी इसमें काम गोइंग ऑन चल ही रहा है। सो बने रहे हमारे तक एंड तक एंड आप हमारे से ये बुक परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड डेबिट एंट्रीज दैट बिजनेसेस यूज टू इंटरनली ऑडिट देयर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जहाँ क्रेडिट एंट्रीज एंड डेबिट एंट्रीज की सूची को के अंतर्गत आने वाले जो डबल एंट्री होते हैं उसी का उपयोग करके एक बैलेंस तैयार किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग हिंदी में देखेंगे एंड बाकी हम लोग लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में समझेंगे तो उस समय आप लोगों को ज़्यादा मोर क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल द लेजर्स अकाउंट्स आर कैलकुलेटेड एंड रिटन अलोंग विद द सॉरी All the ledgers accounts are calculated and written along with their balance, which contains three columns: particular, it means account name, debit and credit. ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली होता क्या है कि आपने जो भी एंट्रियाँ की थी, अब आज से पहले आप लोगों ने जो भी एंट्रियाँ की थी, मतलब लेक्चर नंबर आई थिंक 16 में आपने प्रैक्टिकल एंट्री जो आप लोगों ने किया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपने क्रेडिट किया एंड डेबिट किया, डेबिट क्रेडिट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जहाँ डेबिट भी होता है एंड क्रेडिट भी होता है। बहुत जगह पे आप लोग को देखने को मिला होगा टू एंड बाय का। ठीक है, हमारे लेक्चर में आप लोगों को टू एंड बाय का फॉर्म नहीं देखने को मिला होगा क्योंकि हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में है, लेकिन आप कहीं और आई थिंक आप अगर कभी एंट्री कर रहे हो एंड आपके पास टू एंड बाय का फॉर्म हो तो वो भी क्या होता है, डबल एंट्री फॉर्म ही होता है। बस उसमें दिखने का तरीका अलग होता है, मोड अलग होता है। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है मैं बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता है कि आपके जो भी डाटा होते हैं, ठीक है, आपका जो भी ट्रायल बैलेंस में डाटा जो होता है, एक मिनट में पेंसिल ले लेता हूँ। हाँ, जैसे आपने कुछ डाटा लिया, ठीक है, जो कि आपके डेबिट साइड में था एंड जो डाटा था आपके क्रेडिट साइड में, उन दोनों को लिखता है ना, एंड लास्ट में क्या करता है, उन सभी को ऐड करके टोटल फाइनल रिजल्ट निकाल देता है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकालने का मतलब कैसा होगा कि आपके डेबिट साइड में जितना भी डाटा होगा, जो भी एंट्री की वैल्यू होगी, वही एंट्री की वैल्यू आपके क्रेडिट साइड में दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई कि आपका जो भी बैलेंस जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं एक ब्लैंक शीट में। आई थिंक यहाँ पे ब्लैंक शीट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप अभी घर से बाहर रहते हो, मान के चलो, एंड आपके आपके पापा ने आपको क्या दिया, आपके पापा ने आपको पैसा दिया। ठीक है, पापा एक तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पापा का नाम लिख रहा हूँ, सपोज पापा, एंड इधर लिख रहा हूँ मी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मी। ठीक है, एंड आपके पापा ने सपोज दैट कि आपको 5000 रुपये दिए एंड उसके बाद आपको क्या दिए, उसके बाद आपको 5000 रुपये देने के बाद 3000 रुपये दिए एंड 2000 रुपये दिए, एंड ये जो दिए हुए थे आपको, ये आपको एक ही बार नहीं दिए बल्कि ये आपको 3 मॉड्यूल्स में दिए, है ना, मंथ के 3 टाइम में आपको 3 बार ये पैसे दिए। एंड आपने क्या किया, 5000 लिया एंड उसमें से कुछ पैसा खर्च किया एंड कुछ पैसा रखा। ठीक है, कुछ पैसा उसके बाद आपने, आपके पापा ने 3000 रुपये दिए एंड आपने उसको क्या किया, खर्च किया, एंड 2000 जो पापा दिए उसको आपने खर्च किया, एंड टोटली आपका जो पैसा है वो खर्च हो गया एंड कुछ पैसा मान के चलिए कि सेव बच गया। ठीक है, मान के चलिए सपोज दैट कि आपके पास 200 रुपये सेव बच गया। ठीक है, एंड आपने यहाँ पे जो खर्चे आपने की थी, एक्सपेंसेस जो आपने किया था दिन महीने भर में, जो भी आपने खर्च किए थे उसकी आपने एंट्री यहाँ पे लिखी कि मैंने 500 का एक जिलेट खरीदा, मैंने एक ट्रिमर खरीदा, दैट्स वाई कुछ भी आप खरीदे, मैं यहाँ दुकान में जाके ये सामान खरीदा, चावल दाल फलना ढकना जो भी कुछ खरीदे। ठीक है, सो आपके पापा ने जो पैसा दिया था,
वो कितना दिया था आपके पापा ने, आपके पापा ने टोटल जो पैसा दिया था वो 5,000, 3,000 एंड 2,000, टोटल आपके पापा ने मंथ में 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है। एंड आप जब कैलकुलेशन करोगे, एक मिनट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट। आप क्या करोगे, आपके पापा ने जो भी पैसा दिए थे उसमें से आपको क्या हुआ, आपको 200 रुपये बच गए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या बच गया, 200 रुपये आपके पास बच गए, बाकी जो पैसा था वो आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। सो आप क्या किए, अपने खर्चों को लिखे एंड उसको जब आप कैलकुलेट कर रहे थे, सो वो भी अगर 10,000 आता है, सो इट मीन्स कि आपका जो एंट्री है, आपने जो खर्च किया एंड जो पापा ने पैसा भेजा, वो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। एंड आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आप सपोज दैट कि आप अपने घर से बाहर जब रहते हो, सो आप महीने भर के राशन आप जो लेते हो उसकी आप एंट्रियाँ करते हो, आप लड़के होगे तो आप तो एंट्री करते होगे, ठीक है। सो आप जो अपने कॉपी के पीछे जो एंट्री करते हो कि मैंने चावल इतने रुपए का लाया, इसके बाद मैंने आटा लाया, यहाँ पे दोस्तों के साथ पार्टी की, सो लास्ट में मंथ के एंड में आप उसको ऐड करके देखते हो कि आपने टोटल एक मंथ में कितना खर्च किया, सो उसको एंड आपके पापा ने कितना पैसा भेजा था उसको, दोनों आप मिला के देखते हो। सो आपका जो दोनों एंट्री जो है, अगर दोनों का जो बैलेंस है, रिजल्ट वाला जो बैलेंस है, वो अगर दोनों का इक्वल आता है, जैसे इन केस में, हमारे केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में 10,000 10,000 आ रहा है, सो हमारा जो खर्चा था एंड जो पापा ने मेरे को पैसा भेजा था, वो दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली टेली की भाषा में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, अकाउंटिंग की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था, बाकी आप लोगों को मैं ट्रेली में भी जाके दिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली होता क्या है। सो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग को क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री की सूची रहती है एंड उसको हम लोग डबल एंट्री फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे लेजर्स अकाउंट को कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस के साथ लिखा जाता है, इसमें तीन कॉलम्स होते हैं, पहला होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब अकाउंट का नेम, है ना, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट नेम जैसे आपने लिखा होगा, जैसे हमारा एंट्री जो था उसमें आपका एंट्री में नाम होगा मे बी मिस्टर प्रसाद वगैरह कुछ करके होगा, शुभ वगैरह, है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, ये जो है आपका ये कौन से वाइज में है, तो यहाँ लेजर वाइज में है। शो अब चलिए हम लोग चलते हैं टेलीप्राइम में एंड हमारा नेक्स्ट स्क्रीन जो दिखने वाला है वो है हमारा टेलीप्राइम, ठीक है। शो टेलीप्राइम हम ओपन कर रहे हैं, टेलीप्राइम ओपन करने के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ट्रायल बैलेंस का पार्ट होता है एंड ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, उसमें जाके क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। सो तब तक हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब तक वो ना हो खुलता है तब तक हम लोग थोड़ा सा नोट्स को पढ़ लेते हैं। सो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक तरीके से निकाला जाता है एंड वो कैसे निकाला जाता है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, आपको गेटवे ऑफ टेली में जाना होगा। देखिए गेटवे ऑफ टेली में जाना है, गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद सबसे नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखने को मिलेगा, ये स्क्रीन जैसे ही मिलेगा तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, ट्रायल बैलेंस में क्लिक करना है, एंटर करना है एंड आपके सामने ये जो है प्रैक्टिकल एंट्री दिख जाएगा। ये जो है हमारा एंट्री दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा ट्रायल बैलेंस है। ये जो रहता है ये कौन सा वाइज रहता है, ये तो ये रहता है हमारा ग्रुप वाइज, ठीक है। ये हमारा रहता है ग्रुप वाइज एंड ग्रुप वाइज में आप लोग को मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये आपके ग्रुप्स के अंदर है, ठीक है। एंड इसे जब हम लोग चेंज करते हैं, ज़्यादा डिटेल में देखते हैं एंड लेजर वाइज कैसे देखते हैं एंड बाकी सब चीज़ों को हम लोग अब चलिए स्क्रीन पे देखते हैं, टेली के स्क्रीन पे, ठीक है। आई थिंक टेली खुल गया होगा, यस हमारा टेली खुल गया है एंड आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम लोग आएँ, ठीक है। यहाँ गेटवे ऑफ टेली, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टेली, यहाँ पे आपको दिख रहा है गेटवे ऑफ टेली, ये जो है हमारा गेटवे ऑफ टेली है एंड गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद हम लोग को सीधे आना है यहाँ मोर, आई थिंक आप लोग को दिखाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे एंड आपको फिर एक और नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, नया विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ट्रायल बैलेंस सबसे ऊपर में अकाउंटिंग के ग्रुप में, वहाँ पे जाइएगा आप एंड एंटर प्रेस करोगे। सो आपको जो टेली का टेली के टेली प्राइम में ट्रायल बैलेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो आपने लास्ट एंट्री जो की थी वो आपकी ट्रायल बैलेंस में शो हो रही होगी एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4,000 रुपये हमारा, 4,000 रुपये जो है हमारा वो यहाँ पे है एंड सॉरी 4,000 रुपये हमारे जो है डेबिट की तरफ है एंड क्रेडिट की तरफ भी हमारा 4,000 रुपये है। मुझे एक मिनट टाइम दीजिएगा,
यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये जो हमारा जो सिस्टम देखने को मिल रहा है ये हमारा किस वाइज है, तो ये हमारा जो है ये ग्रुप वाइज है, ठीक है। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा ग्रुप वाइज है, एंड इसे हम लोग इस डाटा को हम लोग मोर डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया था अभी थ्योरी पार्ट में, कि आपको यहाँ पे तीन मॉड्यूल्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है इस मॉड्यूल में, इस साइड में, ये जो है आपका है पार्टिकुलर्स का डाटा है, जहाँ पे आपके सारे अकाउंट के नेम लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेबिट एंट्री, ठीक है, यहाँ पे डेबिट एंट्री देखने को मिलेगा। एंड इट्स इस साइड में आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट एंट्री, इस साइड में आपको मिलेगा क्रेडिट एंट्री देखने को, एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डेबिट एंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हम लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने बताया कि जिस तरह मैंने बताया कि ये एक ग्रुप वाइज में है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रुप वाइज को हम लोग इसको डिटेल वाइज में कैसे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, एंड जब इसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये क्लियर आपको क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है। सो आप क्या करोगे, यहीं रहते हुए अल्ट और फाइव प्रेस करोगे, अल्ट एफ फाइव प्रेस करोगे। अल्ट एफ फाइव जैसे ही प्रेस करोगे सो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो डाटा है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है, वो कुछ डिटेल में खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो डाटा है ये क्या हो गया, कुछ डिटेल में खुल गया। अब डिटेल में खुलने का मतलब क्या हुआ कि आपके कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपये का एंट्री हुआ था कैपिटल अकाउंट में, एंड डेबिट की तरफ, एंड कैपिटल अकाउंट में आपके 5,000 रुपये ड्रॉइंग हुआ था, एंड जो कि डेबिट में गया, एंड क्रेडिट में जो है 4,00,000 रुपये से क्रेडिट है। उसी तरह करेंट लाइबिलिटीज में देखने को मिलेगा आपका सैलरी क्रेडिटर 58,000 से, एंड सो ऑन, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जो आप क्या करिएगा, मेक श्योर कि आप अपने डाटा को चेक कर ले कि आप लोगों ने हमारे साथ जो एंट्री की थी वो एंट्री आपकी सही है या फिर नहीं। आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपके डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में आपका जो एंट्री है, डबल एंट्री प्रोसेस है, यहाँ पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड मेरा 4,00,000 रुपये दिख रहा है। सो अगर आपका एंट्री ये नहीं दिखा रहा है, आपकी एंट्री में कुछ गड़बड़ी है, सो आप कहीं ना कहीं अपनी एंट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपका वो एंट्री जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपकी जो बैलेंस शीट, आपका जो सीट है जहाँ पे आपको बैलेंस दिखा रहा है वो क्या है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये जो कहलाता है ये ट्रायल बैलेंस कहलाता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायल बैलेंस को इसे हम लेजर वाइज देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आप अभी जो इसे देख पा रहे हो ये ग्रुप वाइज है, एंड इसे हम लोग जब लेजर वाइज देखना चाहेंगे सो आपको अपने कीबोर्ड के F5 बटन को प्रेस करना है, एंड ये जो हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है लेजर वाइज में, एंड आपको लेजर वाइज ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा, आप क्लियर ज़्यादा हो पाएंगे कि आपने क्या क्या सामान किस किस समय लिया था, एंड उसकी एंट्री को आप डिटेल में देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि एसी जो है, आपने एसी जो लिया था वो 25,000 का लिया था, जो कि बिजनेस में आया था, सो वो डेबिट साइड में है। आपने कैश, आपका जो कैश है वो 2,58,100 है, जो कि आपका है, एंड कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक बिल है, मिस्टर प्रसाद है, ऑफिस चेयर, ऑफिस रेंट, ऑफिस टेबल, SBI स्टेशनरी आइटम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना मैं बिल्कुल भूल गया था, बट आई गॉट इट कि मैंने वो ध्यान में ले आया। सो आप जब भी एंट्री कर रहे होते तो सपोज दैट कि आपने स्टेशनरी आइटम को आपने 5,000 रुपये से स्टेशनरी आइटम जो आपने परचेज किया था वो आपने क्या किया था, एक बार स्टेशनरी आइटम किया था, एंड दूसरे बार भी आपने स्टेशनरी आइटम को परचेज किया, वो जो परचेज किया था वो आपने 2,000 का परचेज किया था। सो आपको ट्रायल बैलेंस में ये 5,000 एंड 2,000 ये अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो देखने को मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि 5,27,000 रुपये जो है आपको डायरेक्ट जो लिखा हुआ आएगा 7,000 रुपये। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि आपका जो आपका जो यहाँ पे स्टेशनरी आइटम है, यहाँ पे आपको टोटल दिखाई दे रहा है 13,000 का आपके बिजनेस में स्टेशनरी आइटम आया था, ठीक है। सो आप लोग को ध्यान में होगा तो हम लोग स्टेशनरी आइटम जो लाए थे वो लाए थे 8,000 रुपये का एक बार, ठीक है, एंड दूसरी बार जब हम लोगों ने लाया था बिजनेस में स्टेशनरी आइटम, एंड उसकी एंट्री जो किए थे वो जो एंट्री किए थे वो था 5,000 रुपये से। सो जब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हो जाता है 13,000 रुपये। सो यही आपका 13,000 रुपये का जो है टोटल करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। एंड यही जो डाटा रहता है ये आपको हर एक लेजर वाइज में दिखेगा, या फिर आप ग्रुप वाइज में जाते हो सो आपको ग्रुप वाइज में दिखेगा।
एंड चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। एंड मोर क्लियर करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टाइमलाइन को दे सकते हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसे हम लोग मैनुअल कैसे बनाते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।